तो जैसा कि विकास आराम फरमा रहे थे और आधा मेकअप क्या पूरा मेकअप हो चुका है। ये मत करो दिखा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल। मिलिए हमारे ओसामा बिन लादेन से। बिन लादेन कांट टेल यू, सिर्फ ओसामा है। इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट कहे कि हेयर स्टाइलिस्ट कहे कि ड्रेस डिजाइनर कहे कि पूरे मैगजीन के ओनर हैं जिनका मैं शूट करने जा रही हूँ। और ये है अर्जू जी। हाय मम्मी जी, हमारा चलता फिरता बहुत अच्छा चैनल है। so, आज आप फॉर अ चेंज मैं खुद मेकअप नहीं करूँगी, आज ओसामा जी करने वाले हैं। क्योंकि ये मैंने इसलिए यूज किया कि पहले ज्यादातर लोग ऑरेंज यूज करते थे, तो उससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा येलो बेस हो जाता था हमारा। बट अभी जस्ट मैंने स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर टोन लिया है। इसका शेड नंबर है बटर स्कॉच, एंड इससे क्या सारी प्रॉब्लम्स जो है हाइट हो जाएंगी। ओके, तो वो येलोइश जो टोन होता है वो नहीं दिखेगा। हाँ जी, वेरी गुड। थोड़ा सामने आके दिखाई कैसा टोन दिख रहा है। दिखा आपका टोन। मैं भी आज मैंने फुल ट्रस्ट करके छोड़ दिया है ओसामा के ऊपर कि भाई अब तुम्हारे ऊपर मेरा फेस है। अब देखते हैं आज हम फोटोशूट में कैसे लगते हैं। ये पता है, ये मैंने अभी जस्ट लिए थे, बट ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अच्छा, ये टाइम लगेगा। और ये पता है, मतलब तो सेम प्राइस में आप क्वांटिटी देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये टू फेस है और ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता। और ये बॉबी ब्राउन है, ये ऑक्सीडाइज होता है। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अभी हमने यूज़ किया है शार्लेट टिल्बरी का फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है नेचुरल 5। एंड ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, हेयर ब्रश फिनिशिंग देता है ये। oh, wow. तो काफ़ी अच्छा है, और आपने सुना भी होगा इसके बारे में, आलिया भट्ट ने भी बताया है कि मतलब ये फाउंडेशन वो यूज़ करते हैं। आज ये खरीदा जाए। ओके, बट मैंने कभी एयर ब्रश नहीं करवाया। बोले तो भाई तुम भी इंट्रोडक्शन दो अपना। स्वप्निल के चमकते हुए दांत। तो आज हमारा फोटोशूट कवर करने आए हैं। चैनल चेंज हो गया क्या? आज तक देखिए, आज तक में भी देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ब्लॉग में देखिए। व्यूअरशिप बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, पैसे भेजिए। जानते ही है कि मैं आपकी बहुत पुरानी बेटी हूँ। खोई हुई बेटी वापस आ गई है। वापस इसलिए आई है क्योंकि आज एक बहुत अच्छा रीजन है। आज हम लोग तो जैसा कि विकास आराम फरमा रहे थे और आधा मेकअप क्या पूरा मेकअप हो चुका है। हमने सारा मेकअप कर लिया है। हमने अभी सारा मेकअप कर लिया, ब्लशर, हाईलाइटर। अभी जस्ट हम हाईलाइटर पे हैं, आई मेकअप पूरा हो चुका है। मैंने अभी लाइनर सही किया है, बस अभी जस्ट बचा हुआ है लिपस्टिक। हाँ, लगाए लो जब लिपस्टिक, उसके बाद देखिए जीला टॉप लाइन। हमारा मेकअप रेडी हो चुका है और मैं अभी पार्टली रेडी हुई हूँ।
अब जाएंगे हम अपने ड्रेस चेंज के लिए, कॉस्ट्यूम पहला हम पहनेंगे, हेयर थोड़ा सा ठीक करेंगे, एक्सेसराइज करेंगे, उसके बाद डेट पर दे दीजिए, दीवान बना दीजिए, बाय। डिसीजन थोड़ा चेंज कर दिया, ये अब हम नहीं पहन रहे, हम पहनेंगे ये वाला, क्योंकि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा, देखिए मैं हूँ अतरंगी, मैं बिलीव करती हूँ फ्यूजन में, मैं वो काम नहीं करती जो सब करते हैं, तो हमने ये पीस लिया है जो थोड़ा सा एंटीक लग रहा है ना मामा, इट्स लुकिंग नाइस और डिफरेंट लग रहा है। वाह, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। ठीक है, नाइस, ये पहन के देखिए, जो जो पहना रहे सब अच्छा लग रहा है मुझे। बट क्या बोलते हैं पब्लिक, ये लगाऊं कि नहीं लगाऊं, पब्लिक जब तक बोलेगी तब तक तो हम ही डिसाइड कर लेंगे, लगा सकते हैं। चलिए हम आज तक से पूछते हैं जो पीछे हैं, आप क्या बोलते हैं कि ये लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अच्छा है, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हाँ ये रहने दो। पहन लीजिए, एक बार छींक लीजिए, कहाँ मैं हीरा मंडी कर रही थी, मुझे इंडिया पहुंचा दिया बिंदी लगा के। ग्रीन करते जा रहे हो वाह वाह वाह, कहाँ मिलेगी ऐसी वर्सेटाइल, ऐसा वर्सेटाइल चेहरा बताइए। नथ लगाऊं कि नहीं लगाऊं? बस अब 15 केजी का भार लेकर मुझे फोटो शूट करना है, देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। और अब बारी आई है हमारे सेकेंड लुक की, जो कि सबसे रॉयल दिखने वाली है। और अब ये थोड़ा सा स्लाइट चेंज कर रहे हैं हम आई शेडो में, पासा लग चुका है, और ये देखिए अब हम थोड़ा चेंज करेंगे लिपस्टिक शेड, और डार्क लाइट आ रही है, तो फुल तैयार होके एक बार देख लीजिए। तो हम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, नथ लगा लिया, हर कैरेक्टर प्ले कर लिया हमने आज हीरा मंडी में, बेबो जान से लेके सोनाक्षी का सब कुछ, अब
बड़ी नथ लगा रहे हैं, ये देखो बड़ा नथ लेकर आ गए, लगाओ। शायद संजय लीला जी मुझे देखकर हीरा मंडी टू में कास्ट कर ले। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, एक बार देख लीजिए, नथनी खोल दीजिए।